हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ग्रानी गार्डन ब्लॉग समय। दोस्तों, आज हमारे बौद्ध विहार शोभापुर में नागपुर से और बेंगलोर से भिक्खु संघ का आगमन होने जा रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे वीडियो में। बौद्ध विहार में धम्म गुरु बैतूल जिले से पधार रहे हैं और उनके स्वागत के लिए कर रहे हैं हम सभी लोग तैयारी। और तैयारी करने के बाद में आज जो भलते जी के द्वारा प्रवचन होने वाले हैं, धम्म गुरु हमें बताने वाले हैं कि भाई किस प्रकार से हमें जीवन जीना चाहिए। तो आज सभी लोग इस कार्यक्रम में आकर धम्म गुरु के द्वारा उनके जो धम्म की चर्चा देने वाले हैं उसके बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए, अभी तो किस प्रकार से तैयारी हो रही है हमारी, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चल ऊपर कर, ऊपर कर, ये हो रहा है। दिख रहा है कि नहीं देख लो, दिख रहा है कि नहीं देख लो। मेरे भोले भी तो देखो जरा तैयारी के। लीजिए, हम लोग पहुंच गए हैं हाल में जहां पर हमारे धम्म गुरु पधारने वाले हैं। दोस्तों, ये हमारे शोभापुर का बौद्ध विहार है और आज बौद्ध विहार में हमारे भिक्खु संघ का हो रहा है आगमन और इसकी सारी तैयारी आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं। और ये जो बैतूल जिले में जो यहाँ पर बौद्ध विहार बने हुए है, वहाँ पर भिक्खु संघ 3 महीने का वर्षावास के समय में निवास कर रहे हैं और वहीं से जगह जगह पे जहाँ पे बौद्ध विहार है वहाँ पर भोजन दान की व्यवस्था और धम्म चर्चा डेली हर दिन कहीं ना कहीं होते ही जा रही है। तो आज हमारे बौद्ध विहार शोभापुर में बौद्ध भिक्खुओं का आगमन होने जा रहा है, तो ये देखिए हम लोग बौद्ध भिक्खुओं का फूलों के द्वारा यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं हमारे बौद्ध विहार शोभापुर में। और उसके बाद में धम्म चर्चा होगी हमारे भिक्खुओं के द्वारा, तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से हमने भिक्खुओं का स्वागत किया है और उसके बाद में भोजन दान कराने के बाद होगी धम्म चर्चा। तो आप वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में मिलने वाली है कि वर्षावास के समय में भिक्खु संघ का किस प्रकार से स्वागत करना चाहिए और किस प्रकार से हमें भोजन दान करवाना चाहिए, सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। इधर साइड में हो जाओ, साइड में पीछे सर पूरा अंधेरा ही आ रहा है। खाना किधर लगा? बड़ा तो बता, खाना किधर लगा?
एक मिनट इधर देखो, मालती वहाँ से बोरी निकल निकाल दे। तो पड़ोसी का फोन की पड़ोसी दानं ददन्तु सद्धाय शीलं रक्षन्तु सफलं भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता पटिसङ्खायो निशो पितृपातं पटिसेवां देवदवाय नमदाय नमण्डनाय नविदूषणाय यावदेव इमस्सकाय सदित्या यापनाय हिंसोपरत्या ब्रह्मचर्यानुक्ताय इति पुराणं च वेदनं पठ्यङ्कानि नवं च वेदनं न उपादेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनुवज्यता च आसु विहारो च माते भवत्वंतरायो
सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व बुद्धानुभावेन सदा सुखि भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व धम्मानुभावेन सदा सुखि भवन्तु ते। भवतु सर्व मंगलम रक्षन्तु सर्व देवता सर्व संघानुभावेन सदा सुखि भवन्तु ते। अभिवादन शीलस्य मिच्छं वर्धापचायिनो चत्तारो धम्म वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सत्र संपत्ति मेव च ततो निर्वाण संपत्ति इमिनाते समीक्षतु। में जो है अभी चल रहा है पूज्य भंते धम्मतीसा बेंगलोर से, पूज्य भंते यासा मैसूर से और पूज्य भंते अनमोल रतन नागपुर से आज हम लोगों के बीच में है। और पूरा संघ जो है बैतूल में भी वर्षावास कर रहा है। बहुत सारे उपासक उपासिकाएँ जानते हैं, बहुतों ने शायद यहाँ से भोजन दान भी किया हुआ है वहाँ पर। और क्योंकि मैं थोड़ा सा पहले ही बता देता हूँ कि भोजन दान का जो आज केवल एक आमला बुद्ध विहार में भोजन दान संघ का था और आज यहाँ पे शोभापुर बुद्ध विहार में, बाकी 19 अक्टूबर तक जो है भोजन दान सबका अपनी अपनी तरफ से है। भोजन दान की व्यवस्था पूरी कंप्लीट है। 20 तारीख को वर्षावास का समापन होगा और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पूरा एक रैली के रूप में या जैसे भी वहाँ की सुबह पूरी रैली होगी। 19 और 20 तारीख दो दिन वर्षावास का समापन का प्रोग्राम होगा, उसको भव्य रूप पूरे जिले में जो है पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम हम चाहते हैं जो है वो कि एक लगे कि संघ जो है यहाँ पर वर्षावास कर रहा है। इसके अलावा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अभी ही दे देता हूँ। पूज्य भंते विनय रखिता महाथेरो जो है एक बड़ी एक परिकल्पना है, बहुत बड़ी जो है इंटरनेशनल लेवल का जो हमारा आलोका ट्रस्ट के माध्यम से जो है एक स्कूल बनने जा रहा है। वो लगभग 10 एकड़ में जो है बैतूल से लगभग 15 किलोमीटर दूर सावंगा एक गांव है वहां पर जो है ये बनाया जा रहा है। और वो 10 एकड़ जमीन जो है ट्रस्ट ने परचेस की है और 3 एकड़ जमीन हमारे एक उपासक ने जो है दान दिया है, तो टोटल 13 एकड़ जमीन में जो है वहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो बनेगा। उसमें ध्यान का केंद्र भी होगा, नेचुरोपैथी भी होगी, रेसिडेंशियल स्कूल भी होगा जहाँ नैतिक शिक्षा से स्टार्ट होगा बच्चों को जो है। ऑलरेडी हम कभी उसमें शामिल हैं आजीवन सदस्य के रूप में, उसमें बहुत सारे आईएएस ऑफिसर हैं, जजेस हैं और बाकी सारे लोग जो है छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोग जो है उसमें शामिल हैं। उसका एक एनुअल मीटिंग हम लोगों की वो होगी वहाँ 5 अक्टूबर को एनुअल मीटिंग होगी, शनिवार का दिन है। उस दिन आप लोग जो चाहे वहाँ आ सकते हैं, जगह देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या प्रोग्रेस है, क्या काम हो रहा है और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको बहुत सारी वहाँ पे मिलेगी। एक कैसा मॉडल होगा, कैसा बनेगा, उसका भी एक ब्रोशर अभी रेडी हो रहा है, वो सब भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसी एक उसके साथ में जो है संकल्प के साथ में जो है ऐसा एक कार्य जो है बहुत बड़ा काम जो है वो पंत जी ने अपराधम खमतु मे वन्ते दुर्यम्पि उपासमन्नामि वन्ते भारते नामैया कत्ता सब अपराधम खमतु मे वन्ते दुर्यम्पि उपासमन्नामि वन्ते।
नाम निबन्ते भारते नामया कत सब अपराधम कम तुमे बन्ते। सभी चाहते हैं लेकिन मंगल का कारण क्या है कि बहुत कम लोग जीवन में मंगल को, तो मंगल क्या है? अब आमतौर पर हमारे देश में मंगल यानी क्या है, कुछ शुभ मुहूर्त कुछ लोग समझते हो मंगल, कोई पानी लेकर महिला गई तो वो मंगल, दिल्ली आगे से गई तो अमंगल, कोई राहु दोष आए वो है तो अमंगल। ऐसे पालन करता है। अब मान लो तुम्हारे घर में तीन बच्चे किसी के है ना बाहर गए, अब वो आदमी को क्या है बाहर जाना है, तो एक फोन आ गया अर्जेंट काम से बाहर जाना है, अब तीन बच्चे बाहर है वो भी आएंगे तो क्या करें, तो ताला डालकर अभी चाबी उसको किसी न किसी पड़ोसी को देना होगा कि भाई चाबी रखो मुझे अर्जेंट काम है मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर तेरे बीवी बच्चे आए तो ये चाबी उसको दे देना ताकि ताला खोल दे वो घर में जा सके। तो अभी चाबी हम कौन से पड़ोसी को देंगे, ये चाबी किसको दोगे, जो तुम्हारे धर्म का है तुम्हारे भाषा का है तुम्हारे जात का है तुम्हारे गांव का है तुम्हारे भाषा का है लेकिन पंचे का पालन नहीं करता, उसको चाबी दोगे क्यों भाई, तुम्हारे धर्म का है क्यों नहीं देते। जब सुरक्षा की बात आती है तब अपने बचत की बात आती है आपके हित की बात आती है तब अपना धर्म अपना जात काम नहीं आता, तब क्या आता है अरे शीलवान है ये नहीं वो ख्याल आता है, अपना धर्म अपना जात अपनी भाषा वहां पर काम नहीं देती। जब तुम ये चाबी किसको ले गए, जो तुम्हारे जात का है तुम्हारे धर्म का है तुम्हें लेकिन पंचम का पालन करता है तब तुम चाबी उसको ले गए। देखो तुम्हारा विश्वास कैसे जगता है, तुम्हारे जात धर्म से विश्वास जगता है क्या नहीं जगता, शील से विश्वास जगता है। तो हमको एक दूसरे का विश्वास जगाना है तो हमको शीलवान बनना होगा। सभी तो अपना अपना कमाते हैं अपना अपना खाते हैं फिर भी एक दूसरे का विश्वास नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगला व्यक्ति शीलवान नहीं है पंचशील का पालन नहीं करता, इसलिए विश्वास नहीं, चाहे वो हमारा भाई क्यों ना हो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो हमारे धर्म पे क्यों ना हो, अगर वो पंचशील का पालन नहीं करता तो वो हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन हाँ अगर कोई पंचशील का कड़ाई से पालन करता है चाहे वो दूसरे जात का हो दूसरे धर्म का हो दूसरे प्रांत का हो दूसरे भाषा का हो फिर भी वो हमारा अपना है, हमारा विश्वास उसके ऊपर रहता है। फिर हमारी माँ बहन बेटी को भी अगर आप बाहर जा रहे किसी के घर में रख के जा रहे हैं तो किसके घर में रखे जाएंगे, जिस घर में शील का पालन होता है वहां पर अपनी माँ बहनों को छोड़कर जाओगे, अपना रिश्तेदार आपका लेकिन शील का पालन नहीं करता वहां पर अपनी माँ बहनों को छोड़ोगे। हमारी परेशानी जो जड़ है वो पैसा दोस्तों सुबह 11 बजे से 4 बजे तक बौद्ध विहार शोभापुर में भिक्खु संघ का स्वागत आगमन और साथ में भोजन दान कराया गया और जो धम्म चर्चा हमारे फैमिली के लिए हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए सारा कुछ आज हमें धम्म गुरु के द्वारा जानकारी मिली गई है। हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आज हमारे बौद्ध विहार शोभापुर में नागपुर और बेंगलोर जैसे सिटी से हमारे बौद्ध भिक्खु हमारे यहाँ पधारे हुए थे जो कि हमने बहुत ही ज़ोरदार से स्वागत किया। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसे लगा कमेंट